ना कहीं हम आपने एक बार लाइफ में ट्रेन का सफ़र ज़रूर किया होगा। आपको एसी से लेकर के स्लीपर कोच की पूरी जानकारी होगी, लेकिन शायद ही आपको इंजन की दुनिया की एक जानकारी नहीं होगी जो आम आदमियों को नहीं होती है। तो आज हम आए हैं आपको इंजन की दुनिया की जानकारी देने के लिए कानपुर फजलगंज लोको इलेक्ट्रिक शेड में। हम यहाँ पर इंजन के अंदर हैं और मैं ये बताना चाहूँगा कि स्टीम इंजन से लेकर के आज नई टेक्नोलॉजी के इंजन आ रहे हैं, उनमें क्या बदलाव हुआ है, पायलट के लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। ये पायलट का एक केबिन है जिसको लेकर के इसमें तीन कैब हैं, एक फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इसमें पूरा मीटर वगैरह लगा हुआ है, कहाँ से ब्रेक लगनी है। और इस तरफ जो ये सीट है ये होती है आपके सहायक पायलट की। सहायक पायलट यहाँ से कंट्रोल करता है और कम्युनिकेशन अपना पायलट से और आपस में कम्युनिकेशन करके ड्राइव करते हैं, सेफली ड्राइव करते हैं। और रही बात अगर पायलट की सुविधा के लेकर, तो मैं बताना चाहूँगा पहले के इंजनों में एसी नहीं हुआ करती थी, जो आज के इंजन में एसी है। प्रांजलि एसी दिखा दीजिए जरा। ये आज के जो सुविधाएं हैं पायलट के लिए कि इतनी गर्मी में उनको इसमें, मतलब क्योंकि पीछे मोटर्स भी लगी हुई हैं तो टेम्परेचर इतना हाई होता है तो उससे राहत मिलेगी, इसलिए एसी लगाई है। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों की बात में ब्लोवर लगा हुआ है जो कि कोहरे में अगर ड्राइवर हैं तो स्वस्थ रहें और अच्छी तरीके चला सकें, उनका टेम्परेचर से कुछ दिक्कत ना हो उनको, इस वजह से पूरी सुविधाएँ दी गई हैं। डीजल इंजन के बाद अगर हम इलेक्ट्रिक इंजन जो अब टेक्नोलॉजी में नई चल रही है उसमें हम जानकारी देंगे कि इसमें इंजन में दो केबिन होते हैं ड्राइवर के लिए, जिससे कि आसानी से एक दिशा से दूसरी दिशा हम जा सकें। तो ये तो मैंने पहला केबिन अभी आपको दिखाया जो कि एक साइड का है। अब दूसरा केबिन जो होता है मैं चलूँगा, दिखाना चाहूँगा। आइए प्रांजल जी, ये हम लोग यहाँ पे पूरा केबिन के बाद पूरा टेक्निकली पूरा वो है जिससे कि ऑपरेट होता है इंजन पूरा। और दूसरा केबिन दिखाएंगे, आए यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं और सुविधाओं का और सारी जानकारी है। और ये देखिए हम दूसरे केबिन में आ गए हैं, यहाँ भी सेम ही वही है, सेम चीज़ जो वहाँ थी वही यहाँ पे भी है सेम, कि एक पायलट का पूरा एक केबिन है ये पहला, ये सहायक पायलट का केबिन है। बस जो होता है कि अगर एक तरफ का आप एक दिशा में जा रही है अगर ये एक्टिव है तो दूसरी तरफ वाले जो इंजन का केबिन है वो डीएक्टिव करना पड़ता है। देखिए इतने लंबे कालखंड में कई प्रकार के नवाचार होते आए हैं। सबसे पहले तो जो स्टीम इंजन थे, स्टीम इंजन से फिर हम डीजल इंजन में आए, डीजल इंजन में हम लोग इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में आए, जिसमें कि पहले आया हमारा एक कन्वेंशनल लोकोमोटिव शेड लोकोमोटिव्स आए और फिर उसके बाद थ्री फेज लोकोमोटिव्स आए और आज की डेट में WAG 12 आ रहे हैं। तो इनमें जो नवाचार हैं वो समय के साथ होते आए हैं। सबसे पहले तो जो इनमें नवाचार आया है कि जो है गर्मी से, भीषण गर्मी में काम करते हुए AC की सुविधा आ गई है। दोनों ही तरफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में पौन टन का AC लगा रहता है ताकि ड्राइवर को सहूलियत रहे। गर्मियों के लिए में ये सुविधा रहती है, तो वहीं जाड़े के लिए जो है हम ये प्रयास करते हैं कि कैब हीटर काम करता रहे ताकि ड्राइवर को काम करने में सहूलियत रहे। समय के साथ कैब बड़ी होती गई हैं जिसमें कि वो काम कर सकता है, तो उसके पास मूवमेंट की आज़ादी रहती है, सीट कंफर्टेबल होती आई हैं, बड़ी हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, गहरी हो गई हैं, जिससे कि ड्राइवर उनमें आराम से बैठ सके। लेग स्पेस और अर्गोनॉमिक्स बढ़ी है कैब की, ज़्यादा क्रू फ्रेंडली हुई हैं कैब हमारी। ड्राइवर के लिए जो सारा उसका डैशबोर्ड होता है वो उसके सामने आ गया है। डीजल इंजन से तुलना करें तो AC इंजन कहीं ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि जो है उसमें जाहिर सी बात है डीजल नहीं होता है। जो थ्री फेज इंजन है उनमें वाइब्रेशन कम होते हैं तो कहीं ज़्यादा वो सुविधाजनक हैं। और थ्री फेज इंजन जो है उनमें सामने जो दृश्यता है ट्रैक की, OHE की, इन सारे इक्विपमेंट्स की दृश्यता भी उसके लिए इम्प्रूव हुई है। तो ओवरऑल जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस की अगर हम तुलना करें तो वो समय के साथ निखरता गया है। और मैं आशा करता हूँ कि जैसे जैसे भारतीय रेलवे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ती रहेगी तो हम और नवाचार ला ला कर अपने चालक भाइयों के लिए प्रयास करेंगे कि उनकी जो जर्नी है उसको हम बेहतर बना सकें और ज़्यादा सेफ बना सकें।
जैसा कि अभी तक रेल इंजन के बारे में मैंने बताया, विभिन्न चीज़ें जानकारी दी कि पायलट कैसे केबिन में रहता है, काम करता है, क्या क्या सुविधाएं उसको दी गई जो कि पहले नहीं मिलती थी, पहले के इंजनों में स्टीम इंजन, डीजल इंजन, और लेटेस्ट में क्या क्या उनको सुविधाएं मिल रही हैं। लगातार पैसेंजर्स की सुरक्षा को देखते हुए लगातार अपडेट रेलवे कर रहा है अपने इंजनों को। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग एक गाड़ी की, अपनी बाइक की या कार की सर्विसिंग कराते हैं, वैसे इंजनों का भी सर्विसिंग होता है, जिसकी नियमित सर्विसिंग की जाती है। अगर एक इंजन है तो उसको 90 दिन मतलब 3 महीने में एक बार सर्विसिंग के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। आप देख सकते हैं, जैसे लोग वेटिंग में, हम आप कार या बाइक की सर्विसिंग कराने जाते हैं तो यहाँ भी देखिए वेटिंग में लगे हुए हैं। ये जो हमारे पीछे प्रांजल दिखा रहा हूँ, जो हमारे पीछे सर्विसिंग हो रही है, ये आज ही आया जिसकी सर्विसिंग हो रही है। और बाकी 5 इंजन जो विभिन्न डिविजनल से आए हुए हैं वो सर्विसिंग के लिए है, वो आज कल दो जिसका नियमित समय में सर्विसिंग करके वहाँ पे भेज दिया जाएगा। मैं कुलदीप सैनी, फोटो जर्नलिस्ट प्रांजल के साथ, दैनिक जागरण, लाइन नेक्स्ट।